भारत की 70% आबादी गांव में रहने वाले लोग, उनकी सांस्कृतिक और आर्थिक स्थिति बेहद निराशाजनक है। ग्रामीण आबादी को व्यवस्थित रूप में शिक्षा की ओर नहीं ले जाया गया है। सद्गुरु का यह सपना है कि तमिलनाडु के गांवों की सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाया जाए। ईशा विद्या के स्कूल बच्चों को सस्ती और अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराते हैं। इसका लक्ष्य खुशहाल, स्वस्थ और काबिल युवाओं को तैयार करना है। ईशा विद्या के 9 स्कूलों में 6,000 से अधिक ग्रामीण बच्चों का उज्ज्वल भविष्य तैयार किया जाता है। इनमें से कई बच्चे अपने परिवार में स्कूल जाने वाली पहली पीढ़ी हैं। करीब 40% बच्चे मामूली फीस देते हैं और 60% को छात्रवृत्तियां और दूसरी तरह की शैक्षिक सहायता दी जाती है। 11 अनिवार्य पोषक तत्वों और प्रोटीन वाले मिड डे मील बच्चों में कुपोषण की समस्या को हल करने में मदद करते हैं। ईशा विद्या के स्कूलों में स्थानीय संस्कृति और परंपरा को सुरक्षित रखा जाता है। साथ ही बच्चों को सहजता से अंग्रेजी बोलने और कंप्यूटर शिक्षा पाने में मदद की जाती है। 2012 में इन स्कूलों की सफलता को देखते हुए सरकारी स्कूलों के एडॉप्शन का कार्यक्रम शुरू किया गया है। ईशा विद्या की टीम राज्य भर के 55 सरकारी स्कूलों के टीचर्स को ट्रेनिंग दे रही है ताकि बच्चों की अंग्रेजी को सुधारते हुए जरूरतमंद बच्चों पर खास ध्यान दिया जाए और स्कूली जीवन में खेलों, योग, पर्यावरण शिक्षा, सेहत और हाइजीन को शामिल किया जाए। गवर्नमेंट स्कूल एडॉप्शन प्रोग्राम तमिलनाडु राज्य के 44,000 बच्चों तक पहुंच गया है। अगर आपके 1 अरब लोग अनपढ़ हैं तो ये किसी भी देश के लिए एक बहुत बड़ा बोझ और दायित्व है। अगर आपके पास 1 अरब पढ़े लिखे, केंद्रित, अनुशासित, समर्पित और प्रेरित लोगों की आबादी है तो ये चमत्कार हो सकता है। हमारी पीढ़ी को पहली बार ये अवसर मिला है कि हम गरीबी रेखा के नीचे मौजूद 70 करोड़ लोगों को सिर्फ 10 से 15 सालों में एक जीवन स्तर से दूसरे तक ले जा सकते हैं। धरती पर कहीं पर भी किसी भी पीढ़ी के सामने ऐसा अवसर नहीं आया है।